निश्चय का आधार दिल है, न कि बुद्धि। अहंकार को लाइटली न लें। अहंकार का मोटा रूप अर्थात जब हमें धन का अहंकार हो जाता है, अपने सुंदर शरीर का, कोई वस्तु, वैभवों का, चीजों का अहंकार हो जाता है, जब पैसा, पावर, पोजीशन आ जाती है और इंसान की जुबान ही खराब हो जाती है, तो वो जैसे फिर किसी को कुछ समझना ही बंद कर देता है, अपने को बहुत बड़ा और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। अहंकार का सूक्ष्म रूप अर्थात हमें अपनी बुद्धि का, अपनी अच्छाइयों का, जो भी दान पुण्य का काज हम करते हैं तो हम उसका भी अभिमान कर बैठते हैं, ज्ञान का, अपनी तपस्या का, सेवाओं का, अपने त्याग एवं धारणाओं का भी आत्मा को अभिमान हो जाता है। मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, मैं तो बड़ा संतुष्ट रहती हूं, मैं हर किसी का भला करती हूं या करता हूं, मैं तो बड़े प्रेम से बात करता हूं सबसे, मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता हूं, इन दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हूं, मैं उम्र में बड़ा हूं, मेरा मान सम्मान रखना चाहिए सबको, यह सभी चीजें मैं और मेरेपन से जुड़ी हैं, और जो भी चीजें मैं और मेरेपन से जुड़ी हैं वहां अहंकार न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हमें अपनी अच्छाइयों का भी अभिमान हो जाता है, तो स्वयं को चेक करें और कोई भी कमी कमजोरी को खुद में देखें तो उसे सच्चे दिल से परमात्मा को समर्पण करें और खुद को चेंज करें। अहंकार अर्थात अभिमान को काटने का एक ही उपाय है, समर्पण। भर
भक्ति से भर लीजिए। डर जो है यही सारी बीमारियों की जड़ है। जब इंसान डर जाता है तो वो उसकी पकड़ में आ जाता है और वो बीमारी फैलने लग जाती है। और जो इंसान निडर रहता है तो उसकी इनर पावर मेंटेन रहती है, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहता है और वो हर बीमारी से स्वयं को सेफ रख पाता है। दिमाग ने जो नेगेटिव एनर्जी हमारी बॉडी में फैला रखी है, उसे खत्म करने का एक ही उपाय है कि अब हमारा दिल दिमाग को ओवरटेक कर ले। और ये होगा दिल के खुलने से, अर्थात हमारी दिव्य बुद्धि के जागृत होने से। और दिल उसी का खुलेगा जो दिल से परमात्मा पर निश्चय रखेगा, जो दिल से उस पर समर्पण होगा। सब में हो सहयोग भावना, सब में हो सहयोग भावना, सबको सब दे प्यार। सब चाहे तो सबके लिए हो सुखमय ये संसार, सुखमय हो संसार। जो करें दिल से करें, खुश होकर करें। जब हम सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वह स्वयं के लिए कर रहा हूं, तो किसी और से कोई शिकायत या फिर किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। मोह और घृणा, ये अटैचमेंट के धागे के दो हिस्से ही हैं, दो किनारे ही हैं। क्योंकि मोह और घृणा, इन दोनों से ग्रसित आत्मा अपने बारे में नहीं सोचती, बल्कि उसके बारे में ही सोचती रहती है जिसके प्रति उसके मन में घृणा है या फिर जिसके लिए मोह है। का मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बंटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सच पूछो तो
भगवान पर बलिहार चले जाना, अर्थात उसके आगे ट्रांसपेरेंट हो जाना, अर्थात अपनी हर कमी कमजोरी को एक्सेप्ट कर उसे उनके आगे रखना, अर्थात उसे संकल्पों सहित समर्पण कर देना। क्योंकि भगवान ही एक ऐसी लाइट है जो कि हमारे भीतर छिपे अंधकार से मुक्त करवा सकती है। बस इसके लिए हम खुद को सच्चाई से चेक करें और परमात्मा से भी सच्चे रहें, क्योंकि तब ही हम भीतर से साफ बन सकते हैं। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। आओ बनाए नया संसार। संस्कार परिवर्तन से ही होगा संसार परिवर्तन, और हम सभी का अपना अपना संसार है। संतुष्टता का मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि मैं खाली बैठ के संतुष्ट हूं, ये संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता एक गुण है जिसमें आत्मा खाली बैठकर भी संतुष्ट है और कर्म करते हुए भी संतुष्ट है, और जो असंतुष्ट है वो ना तो कुछ करके संतुष्ट है ना खाली बैठ के संतुष्ट है, वो हमेशा दुविधा में ही है। सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों। सहयोग करो सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। अब दूर नहीं मंजिल अपनी, ओ शांति के परवानों। सहयोग करो सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। सहयोग का ये आंदोलन है, सद्भाव का आंदोलन, सद्भाव का आंदोलन। सरलता एक बहुत बड़ा गुण है। जो सरल होगा वह इंसान इजी रहेगा इंटरनली। सरल इंसान पेशेंस भी रख सकता है क्योंकि वो इजी गोइंग होता है, वह हर चीज को इजीली लेता है, पर साथ ही साथ जागरूक भी रहता है। सोई हुई आत्मा नहीं होती वो। जितना इंसान साधारण रहता है उतनी उसकी ईगो खत्म हो जाती है अंदर तक। शिव की प्रीत ने सिखलाया
सबसे प्रीत निवाला, सबसे प्रीत निवाला, सबसे प्रीत निवाला। शिव की प्रीत ने सिखलाया, सबसे प्रीत निवाला, सबसे प्रीत निवाला। मूर्तिकार और मूर्ति। जैसे जो पत्थर टूटता नहीं, छेनी हथौड़े की मार को सह जाता है, वो तो मूर्ति बन पाता है, और जो टूट जाता है वो फर्श में बिछ जाता है। इसी तरह जो आत्मा ज्यादा रोती बिलखती है, सारा दिन रोती रहेगी, हलचल में आती रहेगी, बिलखती रहेगी, तो वो आत्मा फर्श का पत्थर बन जाती है। और जो आत्मा हिम्मत भी रखती है, प्रॉब्लम को फेस भी करती है, तथा खुश और हल्का रहने का पुरुषार्थ भी करती है, तो वो मूर्ति बन जाती है, अर्थात गायन और पूजन योग्य बन जाती है, देवी देवता बन जाती है। शिव पिता का सत्य ज्ञान दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। अब जागने का समय है, इसीलिए शिव बाबा कहता है कि जागो बच्चों, जागो, सोए मत रहो। और ये जागना भीतर से है, एक अंश को भी हम मत सोने दें अपने भीतर। ये ना सोचें कि इतना तो जाग गए, अगर थोड़ा सो लिए, अलबेले हो गए तो क्या हुआ, क्योंकि जितने सोते रह जाएंगे उतनी ही प्रताड़ना यानी पश्चाताप होगा, वो भोगना होती है। इसीलिए अब हम जागें अपनी सोच के प्रति, अपने बोल और अपने हर कर्म के प्रति। ये समय फिर दोबारा नहीं आएगा। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.